आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में मनाया जा रहा। इस महोत्सव की तरह जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत बीआरओ सीमा सड़क संगठन भी आज़ादी का महोत्सव जोर शोर के साथ मना रहा है। कार्यक्रम के तहत बीआरओ ने 14 अक्टूबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक बीआरओ द्वारा मोटरसाइकिल अभियान 2021 का आयोजन किया गया। यह मोटरसाइकिल अभियान 75 दिनों में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें बीआरओ के सभी रैंक के 75 से अधिक राइडर शामिल हैं। साइकिल रैली के माध्यम से शांत राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाकर स्वतंत्र भारत की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इसे प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। टनकपुर स्थित विशेष कृति बल हीकर में 3 दिवसीय अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मोटरसाइकिल राइडर्स के पहुंचने का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हीरक परियोजना के निर्देशक जैनेन्द्र कुमार अधीक्षण अभियंता सिविल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परियोजना के निदेशक जैनेन्द्र कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की उपलब्धियों को फैलाना है। इस अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली नई दिल्ली श्रीनगर ऋषिकेश होते हुए टनकपुर पहुंची। इसके बाद वाराणसी सिलीगुड़ी कोलकाता चेन्नई कन्याकुमारी मुंबई बाड़मेर अमृतसर होकर वापस दिल्ली रैली का समापन होगा। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप कुमार कैंप कमांडेंट के माध्यम से किया गया। इस मौके पर कर्नल अमित निगम एस के हरी कैप्टन साहू सुरजन सिंह सहित तमाम अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।